नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम कैपेसिटर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं और आप हेडिंग के तौर पर देख रहे होंगे द स्टोर्ड एनर्जी इन चार्ज्ड बॉडी। कोई भी बॉडी को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के बाद उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ताकि इसके बाद में फ्यूचर में यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसके अल्टरनेट में कहीं कहीं आप क्वेश्चन के तौर पर देखिएगा लिखा हुआ रहेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा यह हम लोग को डेरिवेशन कर लेना है। दोनों बात एक ही है। अभी फिलहाल हम लोग कैपेसिटर के लिए नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, लेकिन एक चार्ज्ड बॉडी अगर है या कोई कैपेसिटर है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसका डेरिवेशन इस वीडियो सेशन में हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा क्योंकि इंटरमीडिएट के लिहाज से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर 5 नंबर में यह आता रहता है, इसलिए बहुत ही कंसंट्रेट करके आप इसको समझेंगे। और फाइनली तौर पे अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका डेरिवेशन। इमेज कीजिए यहाँ पर कि एक बॉडी हमने ले लिया जिस बॉडी की कैपेसिटी सी है और इस बॉडी को हम लोग अब चार्ज करने जा रहे हैं। जब भी बॉडी चार्ज होता है तो चार्ज करने के कुल मिलाकर के 3 उपाय हैं जो हमने पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। पहला फ्रिक्शन है, दूसरा कंडक्शन है और तीसरा इंडक्शन है। अब इस बॉडी की कैपेसिटी भी हम लोग समझ गए हैं कि कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब यह समझना है कि जब हम चार्ज कर देंगे बॉडी में तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा। अब ये तो बात आप समझ ही रहे हो कि चार्ज दोगे तो इसका क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशंस में इसकी टोटल एनर्जी कितना है यह हमको निकालना है। एक बात हम थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर से कर ले, आप लोग को यह बात तो पता ही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी आता कहां से। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में तब आ जाता है जब उसके इफेक्ट के कारण उस सिस्टम के विरुद्ध काम करते हो, और विरुद्ध काम करने के बाद जितना आपको एनर्जी स्टोर होता है वही इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यानी कि अब हम लोग को यह पता करना पड़ेगा कि इस सिस्टम में अगर क्यू चार्ज देते हो तो क्यू चार्ज देने में वर्क कितना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वर्क आपने किया है वही इसके अंदर स्टोर होगा। अब जनरली तौर पे इलेक्ट्रोस्टैट में यह बात कही गई है कि अगर मान के चलो कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल भी है, पहले से फील्ड का प्रभाव है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी है और उस स्थान पर आप क्यू चार्ज को ला करके रख दिए, तो पोटेंशियल की परिभाषा होता है कि 1 कूलम्ब को लाने में किया गया कार्य और आप लाए हो क्यू आवेश, तो क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू वी, और यही किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। आप लोग पोटेंशियल का जब डेरिवेशन किए थे तो इस फॉर्मूला को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे। वी का जो फॉर्मूला होता है यू बटा क्यू होता है। अब इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्यू चार्ज को लाने में वर्क जो हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके हिसाब से तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सिंपल फॉर्मूला नजर आने लगा कि भाई क्यू को हमको लाना है, भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी क्यू भी हो गया। अब यही बात को आप यहां भी सोच सकते हैं कि क्यू चार्ज है, भी पोटेंशियल है, एनर्जी जो है क्यू भी हो जाएगा, जबकि यह सरासर गलत है। अब यह बात कैसे गलत साबित होगा इस बात को समझिए कि इसके हालात में और इसके हालात में फर्क है। इसमें पहले से पोटेंशियल था और क्यू चार्ज को लाया गया था,
लेकिन यहां पर भी पोटेंशियल पहले से नहीं है, यह क्यू चार्ज को लाने से भी पोटेंशियल हुआ है, यानी कि यह दोनों में बेसिक अंतर है। इसका पोटेंशियल पहले से फिक्स्ड था और क्यू चार्ज को लाया गया था, लेकिन इसमें पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, हम एक सिचुएशंस देते हैं और इसके हिसाब से ही तय करेंगे कि हम कैसे इसका वर्कडन निकालेंगे। इमेजिनेशन कीजिए कि आपके पास एक बिल्कुल अनचार्ज्ड बॉडी है। अब इस अनचार्ज्ड बॉडी में आप एक कूलम्ब आवेश को डालो, तो पहले से इस बॉडी में कोई चार्ज नहीं था, कोई पोटेंशियल नहीं था, आप आसानी से इसको डाल सकते हो। अब अगर एक कूलम्ब यदि इसमें डाल दिए, फर्दर आप एक कूलम्ब और डालो, जरा गौर करना कि पहले जब एक कूलम्ब डाले थे तो पहले से कोई इसमें रोकने वाला नहीं था, लेकिन अब एक कूलम्ब डालोगे तो पहले से एक कूलम्ब उसको रोकेगा, यानी कि पहले से ज्यादा मेहनत बाद में करना है। और यदि आप मेहनत यदि कर दिए तो अब इसके पास एक कूलम्ब और आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ गया, 2 कूलम्ब। अब जरा एक कूलम्ब और डाल के देखिए, तो अब इसको कितने का विरोध का सामना करना पड़ेगा, तो 2 कूलम्ब का। और 2 कूलम्ब कहेगा कि तुम मेरे पास नहीं आओ, क्योंकि रिपल्सिव आपका केसेज बन रहा है। अब अगर मेहनत करके यदि एक कूलम्ब डाल दिए, तो देखिए ध्यान रखिएगा, पहले में कम मेहनत था, उसके बाद और बढ़ गया, उसके बाद और बढ़ गया। और यदि मेहनत करके 3 कूलम्ब यदि डाल दिए, जरा एक कूलम्ब और डाल के देख लीजिए, अब आपको कितने का विरोध का सामना करना पड़ेगा, तो 3 कूलम्ब का, यानी कि मेहनत और करनी पड़ेगी। जैसे जैसे चार्ज होता जाता है, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और फर्दर आवेश को डालने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इसलिए आप यहां पर डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते Q into V, और यह फॉर्मूला आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहां का पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए अब यहां प्रश्न उठेगा कि आखिर फिर कौन सा फॉर्मूला लगाए, कैसे फिर इसका वर्क निकाला जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और समझे दूसरे एग्जाम्पल दे करके। इमेजिनेशन करो कि एक व्यक्ति को आप खाने पे बुलाए हो और शुरुआत में उसको 2 रोटी देते हो, तो वह बहुत इजी वे में वो 2 रोटी खा लेगा, मना भी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जब 2 रोटी दोगे तो वह हल्का शक्कर मनाएगा, और फाइनली तौर पे आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर दे देने से वह 4 रोटी खा लिया। अब जरा एक्स्ट्रा 2 रोटी और खा करके दिखा दीजिए, एक्स्ट्रा 2 रोटी और देने में अब वह कुछ ज़्यादा विरोध करेगा और आपको उसको ज़्यादा मिन्नत करनी पड़ेगी। और यदि गलती से वह खा भी लिया तो टोटल खाया कितना, तो 6 रोटी, यानी कि अब उसके शरीर की अकबकाहट बढ़ती चली जा रही है। अब जरा इमेजिनेशन करो कि 6 रोटी खाने के बाद 2 रोटी और खिलाना है, आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक 2 रोटी खिलाने में आपको अलग अलग मेहनत करते चला जाना है। जैसे जैसे उसका पेट भरते जाएगा, फर्दर उसको रोटी खिलाने में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। यही हालात किसी भी बॉडी का होता है। मान के चलो शुरुआत में आवेश 0 है तो पोटेंशियल भी 0 है। जैसे जैसे इसका आवेश बढ़ा करके क्यू कर दोगे, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ करके भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भी अचानक नहीं हुआ है, क्यू चार्ज जब कंप्लीट हो गया है तब इसका पोटेंशियल भी हुआ है। इस दौरान जरा इमेज कीजिए कि क्या हर एक समय पोटेंशियल भी था, जी नहीं। जैसे जैसे इसका पेट भर रहा था, इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा था। और ऐसे हालात में आप डायरेक्ट यह फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते जो इलेक्ट्रोस्टेट में किए हुए थे, Q into V। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि फिर आखिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो
इसके लिए हम लोग, यह नॉन यूनिफॉर्म का केस है, इंटीग्रेशन का हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे जरा देखिए। यहां पर मान के चलिए कि चार्जिंग के दौरान किसी भी इंस्टेंट पर इसके अंदर क्यू चार्ज था और इसका पोटेंशियल भी डैश था। आप समझिएगा, ये जो क्यू है वह कैपिटल क्यू नहीं है। इसके चार्जिंग के दौरान बीच रास्ते में कहीं इसकी वैल्यू क्यू है, उसी दौरान इसका कहीं उस स्टैंड पर पोटेंशियल भी डैश है। अब जब क्यू आवेश इसमें पहले था, अब उसमें हल्का सा चार्ज और डालना है, बहुत ही नाम मात्र का, जिसको हम लोग डी क्यू कहते हैं। तो जब आप डी क्यू चार्ज जब डालेंगे, उस दौरान आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, किसका? तो भी डैश का। उस समय आवेश कितना है? तो क्यू है, और इसी के विरुद्ध आपको काम करना है। तो काम करते वक्त आपको वर्क कितना हो गया भाई? तो आप यहां लिखेंगे भी डैश इंटू डी क्यू। ध्यान दीजिए, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उस इंस्टेंट पर किए हैं जिस इंस्टेंट पर इसका पोटेंशियल भी डैश है, और उस समय कितना आवेश देना है? तो डी क्यू आवेश देना है। अब ऐसी सिचुएशंस में आपका छोटा सा चार्ज डालने के लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा, और यह छोटा सा काम को हम लोग डी डब्ल्यू कहते हैं। और अब हम लोगों को फाइनल तौर पर इसका इंटीग्रेशन कर जाना है। जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये कंप्लीट आपको वर्क बता देगा, और टोटल आवेश डालने में जितना वर्क होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब ऐसी सिचुएशंस में हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ भी डैश और यहाँ पर डी क्यू लिखा गया। अब जरा गौर करना कि यह आवेश कहाँ से बढ़कर कहाँ तक चला गया, तो जीरो से लेकर के क्यू तक चला गया। अब जरा सोचिए कि भी डैश होगा कितना। अब ध्यान दीजिएगा, जब यह जीरो पर था तो जीरो पर था, क्यू पर था तो भी हो गया था, और जब क्यू था उस समय यह भी डैश था। किसी भी इंस्टेंट पर कुछ भी हो, वस्तु की कैपेसिटी बदलने वाली नहीं है, और कैपेसिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, क्यू बटा भी। उस स्थिति में हम यहां लिख सकते हैं क्यू बटा भी डैश। अब ऐसी सिचुएशन में जब यह क्यू है, उस समय का पोटेंशियल बढ़ा हुआ है भी डैश, तो कैपेसिटी बराबर क्यू बटा भी डैश। तो यहां से भी डैश जरा निकालो, तो जब ये भी डैश निकालोगे तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला बनेगा क्यू बटा सी, और यही भी डैश का मान इस फॉर्मूला में नोट करना है। अब आप यहां पर देखते जाइए कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होना शुरू हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट डालना है। हम इसी फॉर्मूला को यहां पे जब रखेंगे तो यू का फॉर्मूला बन जाएगा। गौर कीजिए, इंटीग्रेशन में डालेंगे जीरो से लेकर क्यू तक, और भीडेस के स्थान पर क्या लिखेंगे? क्यू बटा सी, और बगल में आपको क्या लिखा गया? डी क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में जरा गौर करो, आप लोग पढ़े होंगे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। वैसे ही हम यहां पर एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या दिख रहे हैं हम लोग? क्यू डी क्यू। तो ऐसी सिचुएशंस में आप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, और नीचे कांस्टेंट के टर्म में सी। जब इंटीग्रेशन जब होता है तो इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर देते हैं और लिमिट के तौर पर जीरो से लेकर क्यू तक डाल देते हैं। अब हम लोग इसको फर्दर आगे का शेप लेते चले जा रहे हैं। जरा देखते जाइएगा स्टेप किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यू इजिकल टू हो जाएगा, सबसे पहले नियम कहता है कि वेरिएबल टर्म में अपर लिमिट लिखाता है और माइनस फिर लोअर लिमिट लिखाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी और माइनस जीरो, और जीरो तो जीरो ही रह गया। फाइनल तौर पर फॉर्मूला बन गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी जो स्टोर होगा उसका फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी।
अब इस रूप को और भी भिन्न रूप में दिया जा सकता है। गौर कीजिए, जब आप फाइनली तौर पर क्यू बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे सी भी, और ऐसी सिचुएशंस में जब आप क्यू बराबर सी भी जब आप लिखिएगा तो ये स्क्वायर हो गया और नीचे सी हो गया, तो सी से एक सी कट जाएगा और एक फॉर्मूला और बनेगा हाफ सी भी स्क्वायर। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। और यही नहीं, इस फॉर्मूला को एक रूप और दिया जा सकता है। आप यहां पर जो देख रहे हैं सी, इस सी के जगह पर आप लिख सकते हैं क्यू बटा भी। जैसे ही क्यू बटा भी लिखिएगा तो भी ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और फाइनल रूप आपको क्या मिलेगा, तो ई इज इक्वल टू हाफ क्यू भी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के कुल मिलाकर के तीन फॉर्मूला तीन रूप में देख रहे हैं। बात तो एक ही है, टर्म सिर्फ बदल गया है। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। आपकी मर्जी, क्वेश्चन के मुताबिक जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसके मुताबिक आपको जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा, हाफ सी भी स्क्वायर बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। एक बात का गौर कीजिए, फॉर्मूला फाइनल तौर पर आया हाफ क्यू भी, और शुरुआती के दौर में आप लोगों को यह बात बताई गई कि अगर आप क्यू आवेश डालते हो, भी पोटेंशियल यदि होता है तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो आप बताए थे क्यू भी, लेकिन यहां पर आया कितना, हाफ क्यू भी। इसका मतलब समझिए, मतलब यह है कि जब भी किसी अनचार्ज्ड बॉडी को कंप्लीटली जब चार्ज कर देते हो तो आपको 50% एनर्जी अनदर फॉर्म में लॉस कर जाता है। आपको नियमता होना चाहिए था क्यू भी, लेकिन हो रहा है हाफ क्यू भी। आपका हाफ एनर्जी, यही वजह होता है कि यह बात कही जाती है कि यहां का सामान वहां जाकर के लेके रख दो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ेगा। स्थान को परिवर्तन करने में आपको वर्क करना पड़ेगा और वर्क करने के दौरान आप में एनर्जी लॉस होगा। ऐसी सिचुएशंस में आप यहां देख रहे हो कि बिल्कुल अनचार्ज्ड बॉडी को जब कंप्लीटली चार्ज्ड कर देते हैं तो 50% एनर्जी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, केमिकल एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा। यही वजह है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी बैटरी से किसी दूसरे बैटरी को चार्ज करते हैं और कहा जाता है कि अरे इसमें की एनर्जी को इसमें लेकर चले आए। ठीक है, आप कीजिए, बट इस चार्जिंग करने के दौरान लगातार एनर्जी लॉस होती रहेगी। और कितना लॉस होता है चार्जिंग के दौरान, हम पिछले वीडियो सेशन में लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आपको दे चुके हैं और उस फॉर्मूला में आप देखेंगे, फॉर्मूला आपका था क्या पता है, हाफ सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, और यहां आया था वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। यह लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बना था। और यही आपको जब भी शेयरिंग होगा तो शेयरिंग करने के दौरान होता क्या है, कोई एक बॉडी चार्ज होता है और दूसरा बॉडी डिस्चार्ज होता है, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान आप श्योर एंड सर्टेन मानिए कि एनर्जी का लॉस होता है। यह है आपका एनर्जी लॉस का फॉर्मूला जो हम पिछले सेशन में आपको बता चुके थे। तो फाइनली तौर पर यह आपका 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर या स्टोर्ड एनर्जी इन बॉडी या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन चार्ज्ड बॉडी। कई लोग इस बात को भी कहेंगे कि आप हिंदी में क्यों नहीं बताए, तो यह डेरिवेशन है, आप समझ सकते हो। जो सारी बातें हमने आपको बताया है लैंग्वेज के तौर पे जो बोला है उसको आप अपने तरीके से हिंदी में लिख करके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यह 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके इंटरमीडिएट के ख्याल से। अब नेक्स्ट जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होगा जिसमें हम एक न्यूमेरिकल बेस्ड पर कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, और इस वीडियो का आप इंतजार करेंगे कल। आज के लिए शुक्रिया।